हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी पर्सन आया या कोई भी ले पर्सन भी किस तरह से इस चीज़ को समझ सकता है कि किसी भी पर्सन की अगर एबनॉर्मल बिहेवियर हैं जो नॉर्म से हटकर हैं, ठीक है, तो वो नफ्सियाती तौर पर है या उसमें कुछ असरात का असर है, जादू टोने का असर है, जिन्नात या जिन भूत परित का असर है, तो हम किस तरह से तमीज़ कर सकते हैं कि इसको हमें बाबा जी के पास लेकर जाना है या इसको हमें साइकोलॉजिस्ट से साइकेट्रिस्ट के पास लेकर आना है। देखिए, जो हमारा बीइंग है वो है बॉडी माइंड एंड सोल, जिसको हम बीइंग कहते हैं। यानी इंसान एक मुरक्कब है, जिस्म का, जहन का और रूह का। हम कोई भी ऐसी बीमारी जो जिस्म के ऊपर असरात लेके आ रही है, यानी अगर उसको एंजाइटी की वजह से अल्सर हो चुका है, उसकी वॉमिटिंग हो रही है, उसको नौजिया हो रहा है, उसको बुखार हो रहा है, उसको एलर्जी हो रही है, ये जिस भी रीज़न की वजह से हो, लेकिन अब बॉडी के ऊपर सिम्टम्स आ गए ना, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले किससे चेक कराना पड़ेगा? फिजिकल मेडिकल डॉक्टर से, ताकि हमें सबसे पहले क्या रूल आउट करना पड़ेगा, जिस्म के ऊपर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है और उसको कैसे हम ट्रीट करेंगे। सेकंड फेज के ऊपर हम जाएंगे कि ये माइंड के ऊपर कैसे लेके जाएंगे, जहन के ऊपर कैसे लेके जाएंगे, नफ्सियात के ऊपर कैसे लेके जाएंगे, कि ये किसी नफ्सियाती वजह से तो ये अलामत नहीं है जो कि अब जिस्म पर भी जाहिर हो रही है। ठीक है, खौफ है, फियर्स हैं, एंग्जाइटीज़ हैं, ट्रॉमाज हैं, इवेंट्स हैं, सो एन एंड सो फोर्थ। अब अगर हमें ये समझ में आ गया कि जनाब जिस्म भी रूल आउट कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई हर फंक्शनिंग प्रॉपर है, अब दर्द उसको जो है वो फील हो रहा है, लेकिन हमने सारी असेसमेंट कर ली और हमने कहा ये साइकोसोमेटिक इश्यू नज़र आता है कि कोई फिजिकल दर्द जो है वो नहीं है, लेकिन तड़प रहा है एक शख्स, तो अब हमें समझ में आता है कि ये असरात का असर हो सकता है और ये सोल का हो सकता है, ये रूहानी मसला भी हो सकता है। बहुत कम होता है लेकिन होता है। उसके लिए बहुत सिंपल है, आप मेरे नीचे दिए हुए गए लिंक के ऊपर से बैरिश शिफा डाउनलोड कर लीजिए। उसके ऊपर मैंने टेस्ट पूरे जो है वो बता दिए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर उसमें वीडियो करूँगा, या अगर मेरे कोई लिंक हुआ होगा उसमें मैंने अलामत बताई होंगी तो आप वो सर्च कर लीजिएगा। लेकिन उसके ऊपर मैंने ये टेस्ट आपको घर के अंदर बड़े आसान उर्दू ज़बान में बता दिया है कि आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि ये नफ्सियाती है या ये असरात है और इसका इलाज क्या होना चाहिए।